स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ांगे पंजवीं जमात दी पंजाबी दा लैसन पांच सियाणी गल। बचे और जिंदर ते कुंदन दो पुराने दोस्त सन, जो इकट्ठे इको महल्ले विच ही रहिंदे, इको स्कूल विच ही पढ़े ते इकट्ठे ही जवानी विच पैर धरिया। पर अज रजिंदर डॉक्टर सी ते कुंदन एक स्कूटर मकैनिक। अज डॉक्टर रजिंदर कुंदन तो अपना स्कूटर ठीक करांदा यही सोच रहा सी कि दोनों विच इन्ना फर्क किवें आ गया। डॉक्टर रजिंदर सोचता सोचता पुराने समय विच पहुंच गया कि किवें रजिंदर ते कुंदन दोवें इकट्ठे स्कूल जांदे सन। एक बार दी गल है कि कुंदन बहुत दिन स्कूल नहीं सी आया, रजिंदर ने उहनूं किते देखिया भी नहीं सी। अचानक एक दिन पिंडों बाहर कुंदन लाल मिल पिया तां रजिंदर ने स्कूल ना आउण बारे पुछया तां कुंदन ने बड़ी बेपरवाही नाल कहा, छड यार पढ़ाई नू, मैं कहड़ा पढ़ के डीसी लग जाना, कुछ नहीं रखिया पढ़ाइया विच, मैनू तां चाचे ने शहर विच स्कूटर वाली दुकान ते ला दिता काम सीखण नू। एक दिन कुंदन स्कूटर ते पिंड आया तां रजिंदर हैरान हो गया। बचे उस वेले किसे कोल स्कूटर होना ते चलाना बहुत वड्डी गल मन्नी जांदी सी। रजिंदर भज्जिया भज्जिया कुंदन कोल गया ते उहदे स्कूटर ते हाथ फेरदा बोलिया, कुंदन तूं इह आप चला के लिया आया, तू यार किवें चला लिया, मैनू तां बड़ा डर लगता है। तां कुंदन बड़े घमंड विच बोलिया, लै इहदे विच कीहड़ी डरन वाली गल है, मैं तां इक दिन विच ही चलाना सीख लिया सी। कुंदन वापस शहर चला गया पर रजिंदर बड़ा उदास हो गया। उस दा मन हुण पढ़ाई विच ना लगता। उह हर वेले कुंदन ते उसदे स्कूटर बारे सोचता रहिंदा कि कुंदन ना पढ़ के भी उस तों अगे निकल गया। रजिंदर दे पिता जी ने उसकी यह हालत देखी तो उन्होंने उस तो उसकी उदासी का कारण पूछा। रजिंदर ने साफ शब्दों में अपने पिता जी नूं कहा कि मैं हुण होर नहीं पढ़ना, मैं भी कोई काम सीखना है तो कुंदन वांग स्कूटर का काम सीख के स्कूटर चलावांगा। तो रजिंदर दे पिता जी सारी गल समझ गए, फिर उसनू समझांदे बोले, ये तू किस गलत सोच नूं मन विच लैके बैठ गया, ये तो बहुत माड़ी गल है, पुत्र तू पहला पढ़ फिर किसी होर काम करन बारे सोची, उच्ची विद्या प्राप्त करके तू कोई भी काम होर भी वधिया तरीके नाल कर सकता है। तो हुण डॉक्टर रजिंदर नूं उस वेले आखी पिता जी की गल चेते आ गई ते वह पढ़ाई करके डॉक्टर बन गया सी ते कुंदन अजे भी स्कूटर मकैनिकी ही कर रहा सी। सो बचो, काम कोई भी छोटा जा वड्डा नहीं हुंदा, पर अगर असी अपनी पढ़ाई पूरी करके उचेरी सिक्ख्या लैके कोई भी काम करांगे तां नूं होर चंगे तरीके नाल कर सकांगे ते होर तरक्की करांगे। सो बच्चों, पढ़ना जरूर है, उचेरी विद्या जरूर लैनी है, और अगर वेला खुंझ गया तां मुड़ के हाथ नहीं आंदा। अगे बच्चों पाठ अभ्यास है, कुंदन लाल की काम करदा सी। कुंदन लाल स्कूटर मोटरसाइकिल मुरम्मत करन दा काम करदा सी। कुंदन अते रजिंदर इकट्ठे कित्थे पढ़दे सन? प्राइमरी स्कूल विच। जदों रजिंदर किताब कापी लैके बैठता तां की हुंदा सी? उसनू कदे कुंदन ते कदे कुंदन दा स्कूटर नज़र आउंदा सी। रजिंदर दे दिमाग विच कीहड़ी सियाणी गल आ गई? रजिंदर दे दिमाग विच पिता जी दी आखी होई गल आ गई कि कोई भी काम करन तों पहलां उच्ची विद्या प्राप्त करन नूं पहल देनी चाहीदी है। डॉक्टर रजिंदर कुंदन दीआं कीहड़ियां गल्लां तों प्रभावित होया सी? डॉक्टर रजिंदर कुंदन द्वारा एक दिन विच ही स्कूटर चलाउणा सिख लैण दीआं गल्लां सुन के प्रभावित होया सी? रजिंदर पूरा हफ्ता कीहड़ियां सोचां विच पिया रहा? पूरा हफ्ता रजिंदर इन्हां सोचां विच पिया रहा कि उस लई पढ़न दा कोई फायदा नहीं, सगों कुंदन वांग स्कूटरां दा काम सीखना चाहीदा है, इस नाल उह वी कुंदन वांग स्कूटर नूं आप चला सकेगा। रजिंदर नूं किताब विच पढ़ी कीहड़ी गल याद आ गई? रजिंदर नूं किताब विच पढ़ी इह गल याद आ गई कि अपने मन की उलझन नूं कदे दबा के नहीं रखना चाहीदा, जेकर किसे नाल उस नूं सांझी करो तां उह दूर हो जांदी है। पिता जी ने रजिंदर नूं कीहड़ी सलाह दित्ती? रजिंदर दे पिता जी ने उहनूं सलाह दित्ती कि उह पहलां अपनी पढ़ाई पूरी करे ते फिर कोई होर काम करन बारे सोचे, उच्ची विद्या प्राप्त करके कोई भी काम होर भी वधिया तरीके नाल कीता जा सकता है। अगे बच्चों
वाक किसने किस नू कहे। पहला वाक सी जड़ा एह वाक कुंदन ने रजिंदर नू कहे। दूजा वाक एह वाक पिता जी ने रजिंदर नू कहे। तीजा वाक एह वाक रजिंदर ने कुंदन नू कहे। बच्चों हेठा विरोधी शब्द उल्ट शब्द लिखने हैं, जिमें उपर हेठा, नेड़े दूर, माड़ी चंगी, पिछे अगे, नीवी उच्ची, लाभ हानि। बच्चों अगे वाकां विचले शब्दां दे लिंग बदलने हैं। चाचा जी ने बेटे नू काम ते ला दिता। चाची जी ने बेटी नू काम ते ला दिता। पुत्र दी यह गल पिता जी दे सिर विच पत्थर वांग लगी। धी दी यह गल माता जी दे सिर विच पत्थर वांग लगी। बच्चों अगे हेठ लिखे वाकां विचले शब्दां दे वचन बदलने हैं, जिमें मैं किताब लैके बैठ गया, असी किताबां लैके बैठ गए, उसने सियानी गल दसी, उन्होंने सियानियां गल्लां दसियां। अगे बच्चों शब्दां नूं वाकां विच वरतना है। मिस्त्री, मिस्त्री कंध बना रहा सी। उलझन, मैं किसे उलझन विच फस गई हाँ। जोश, फौजी जवान जोश नाल अगे वधे। परेशान, बच्चा फेल हो के परेशान हो गया। सफर, असी सारे ही पैदल लंबे सफर उत्ते चल पे। बच्चों के प्रश्न है कि इस कहानी तो सानू की सिक्ख्या मिलती है कि कोई लाभदायक गल करन दा उदो ही फायदा हुंदा है जदों उसनू समय सिर कीता जावे, उदों उस उत्ते अमल करन दा समा हुंदा है जो मगरों नहीं मिलता। तो बच्चों पाठ व्यास भी खत्म हुंदा है। मिलते हैं अगले लैसन 6 विच। थैंक यू।